जैसा मैंने पिछले हफ्ते बताया था, प्रभु के वचन से, प्रभु के वचन की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं उनको जानना, उनको पहचानना, उनको समझना हम में से हर व्यक्ति के आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि अपन जब सड़क पर जाते हैं तब लेफ्ट हैंड बाईं ओर जाना है, लेकिन इवन लेफ्ट हैंड जब अपन ड्राइव करते हैं उस समय यदि एक बहुत ही जटिल कॉम्प्लेक्स चौराहे पे पहुंच जाएं जहां एक सड़क उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक उधर एक इधर, तो पहली बार जो उस चौराहे पर आया है अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी कुछ क्षण के लिए डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस दिशा में जाना है। मेरे और आपके जीवन की यही स्थिति है कि कुछ क्षण के लिए जीवन में जब बहुत निर्णय लेने की घड़ी आती है तब उस समय हो सकता है कि हमको एकदम से समझ में ना आए कि हमें क्या करना है। ये समस्या और जटिल तब हो जाती है जब लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले किसी देश से हम राइट हैंड ड्राइव वाले देश में चले जाते हैं। उदाहरण के लिए खाड़ी में जो देश हैं जैसे दुबई वगैरह, वहाँ राइट हैंड में गाड़ी चलाते हैं, वहाँ ड्राइवर का जो स्टीयरिंग व्हील, अपने हिंदुस्तान में स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में होता है गाड़ी में, उनके यहाँ स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड में होता है और गाड़ी सड़क पर गाड़ी राइट साइड में चलानी पड़ती है। तो ऐसे में मैंने कई बार देखा है कि आगे गए तो अपने को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब किस दिशा में जाना है। मुझे याद है आज भी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय अमेरिका से लोग हमारे शहर ग्वालियर में टूर के लिए आते थे क्योंकि ग्वालियर बहुत ऐतिहासिक नगरी है। तो एक बार मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, गाड़ी आई और जैसा मैंने कहा वैसा बहुत ही जटिल एक चौराहा था, अमरीकी ड्राइवर को समझ में ना आए कि किस दिशा में जाना है, वो गलत दिशा में पलट गया। प्रभु की दया से थोड़ी बहुत काम चला, वो अंग्रेजी जानता था, मैं वहीं खड़ा हुआ था, पलटने के कारण उसकी गाड़ी की स्पीड कम हो गई। मैंने कहा जेंटलमैन रुक जाइए, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है और आप राइट हैंड ड्राइव के हिसाब से आपने सड़क चूज़ किया है, आप बिल्कुल उल्टे रास्ते पर या गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कोई पुलिस वाला देख ले तो वो तो इमीडिएटली आपका चालान कर देगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके ऐसे निकाल लीजिए। वो घटना मैं कभी नहीं भूला। इसका एक कारण है, मैं और आप जब प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो उसके पहले हम जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते के नियम अलग है, और जब हम एक बार प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तब जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते के नियम अलग हैं, दोनों एक नहीं है। संसार का जो सोचने का तरीका है वो प्रभु के वचन में जो सोचने का तरीका या चलने का तरीका बताया गया है उससे बिल्कुल भिन्न है। तो जैसा मैंने कहा, एक तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स या जटिल चौराहा हो तो वैसे ही अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता कि अब क्या जाना है। उसके साथ साथ एक नियम का पालन करने वाले कल को एकदम दूसरे उसके विपरीत नियम का पालन भी करना हो और उसके साथ साथ एक जटिल या कॉम्प्लेक्स चौराहे पे पहुंच जाते हैं तो हमारी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। इस बात को अपन सब जानते हैं। इस कारण जिन्होंने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उन सब के लिए दो बातें जरूरी है। पहली बात, हमको ये अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि मनुष्य अपनी बुद्धि से जो भी सर्वोत्तम चाल चलन के बारे में सोच सकता है उसमें और प्रभु के वचन में जमीन आसमान का फर्क है, और इस कारण हर नए विश्वासी को या
हर उस व्यक्ति को जिसने प्रभु को नया नया ग्रहण किया है, उसको वो जो नया रास्ता है उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात, न केवल उस रास्ते को सीखना है, उस रास्ते के जो नियम और कायदे हैं उन नियम और कायदों को अच्छी तरह से सीखना जरूरी है। प्रभु के वचन में जो 66 छोटे छोटे ग्रंथ हैं, इनमें रोमियो नामक एक ग्रंथ, एक्चुअली रोम शहर के विश्वासियों को प्रभु की आत्मा ने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये शिक्षाएं भेजी थी, तो रोम में रहने वालों को रोमी लोग कहा जाता है। जैसे भारत में रहने वाले को, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी कहा जाता है, उसी तरह से रोम में रहने वाले को रोमी कहा जाता है। और हिंदुस्तानी को जब लिखा जाता है तो हिंदुस्तानियों के नाम पत्र है, उसी तरह से रोम में रहने वाले को रोमी कहा जाता है, और जब उनको पत्र लिखा जाएगा तो रोमियो के नाम पत्र आएगा। इसलिए इस पुस्तक का नाम रोमियो है, पूरा नाम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, पौलुस प्रभु यीशु के द्वारा भेजे गए, नियुक्त गए भेजे गए एक महान टीचर थे। उन्होंने इस ग्रंथ में मेरे और आपके आत्मिक जीवन की जो मूलभूत बातें हैं, मतलब प्रभु का रास्ता क्या है, उस रास्ते के नियम क्या हैं, और जब हमको निर्णय लेना है तब हमको क्या निर्णय लेना है, ये सारी बातें बहुत ही कायदे से, बहुत ही सिस्टमैटिकली या क्रमीकृत तरीके से बताया है। इसलिए प्रभु ने मदद की तो हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारी नींव अच्छी पढ़ सके। इस पुस्तक के जो अध्याय हैं उनमें शुरू के अध्यायों में ये बताया गया है कि मनुष्य क्या है, उसके बाद के अध्यायों में ये बताया गया है कि यदि मनुष्य ये है तो उसका क्या होगा, उसके बाद के अध्यायों में ये बताया गया है कि यदि मनुष्य ये है और यदि उसके साथ ऐसा होना है तो प्रभु उस मनुष्य के लिए क्या करने के लिए तैयार हैं। स्वाभाविक है कि जब मनुष्य विनाश के रास्ते पर चल रहा है, यदि वो पलट कर ये देखे कि प्रभु मेरे लिए क्या करना चाहते हैं, तो वो ये पाएगा कि प्रभु मुझे विनाश से बचाकर मुझे एक नया जीवन देना चाहते हैं। ये बात इस पुस्तक के तीसरे पोर्शन में हम देखते हैं। अगले हिस्से में हम देखते हैं कि जब प्रभु से इस तरह का एक नया जीवन मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, जब हम एक नए रास्ते पर चलने लगते हैं तो वो रास्ता क्या है, उस रास्ते पर हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, और उस रास्ते पर चलने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग या प्रैक्टिस हमको चाहिए। आप में से जो लोग फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि किसी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए तो वो ट्रेनिंग देने वाला क्या करता है, कार में चार लोगों को बैठा लेता है, चार लोगों में से एक एक को 10-10 मिनट देता है ड्राइविंग के लिए। इस तरह से 2 हफ्ते आपकी ट्रेनिंग होती है, मतलब 2 हफ्ते में कुल मिलाकर 12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग होती है। वैसे कोई भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट हर दिन ट्रेनिंग नहीं देता, मान लीजिए हर दिन देता है तो भी जो है 6 और 6 12 दिन, 12 दिन मतलब कुल मिलाकर 120 मिनट प्रतिदिन, एक 10 मिनट के हिसाब से 120 मिनट आपको ट्रेनिंग देता है, और उसके बाद कहता है कि भैया तुम्हारी हो गई ट्रेनिंग, और उसकी जान पहचान होती है, वो आपको लाइसेंस दिला देता है। लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि सड़क पर गाड़ी चलाना आसान काम नहीं है, नियम अलग हैं, लोगों का चलाने का तरीका अलग है, और अलग अलग लोगों तरह के लोग अलग अलग तरीके से चलाते हैं, कुछ डर डर के चलाते हैं, कुछ को लगता है
कि अरे ये तो अपनी सड़क है, अपनी खरीदी हुई सड़क है, इसलिए सब हट जाएं, शहंशाह आ रहे हैं, सब लोग सड़क से हट जाएं। दो चार ऐसे होते हैं जो बीबी से झगड़ के आए होते हैं, तो वो तो ये देख रहे हैं कि किसको टक्कर मारी जाए। ऐसे 50 प्रकार के लोगों के बीच में अपने को गाड़ी चलानी होती है, तो बड़ी विकट स्थिति होती है। मेरे साथ एक दो लफड़े और थे। जब मैंने ड्राइविंग सीखा तो मेरी उम्र हो चुकी थी 50। 50 पे भला कोई ड्राइविंग सीखता है? और उसके साथ साथ मैं जो दवाएं खाता हूं तो उसके कारण मसल्स पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं। तीसरी समस्या ये कि बचपन में ही एक आंख की नज़र कमज़ोर है, एक आंख से काम चलाना पड़ता है। लोग जिनकी दो दो अच्छी आंखें हैं वो सही देख नहीं पाते, तो एक जिसकी एक नज़र, एक आंख की नज़र कमज़ोर है वो क्या करेगा। तो मैं ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में गया, तीसरे दिन मेरा इंस्ट्रक्टर था, उसने हाथ जोड़ लिए कि भैया आप नहीं सीख सकते, और आपने इतना पैसा जमा किया है वो 4 गुना वापस करने को तैयार हो गया कि आप हमारा पिंड छोड़ दें। मेरे एक दोस्त ने जो मुझसे जूनियर था वो बोला कि बड़े भैया आप बिल्कुल नहीं डरें, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। ड्राइविंग इंस्टीट्यूट वाला आपको 120 मिनट ट्रेनिंग देता है, और एक नया ड्राइवर इसे 120 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60 किलोमीटर चला पाता है, कुछ लोग उतना भी नहीं चला पाते, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। बाकायदा उसने मुझसे एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदवाई, मेरे साथ बैठकर रोज शाम को ऐसी ट्रेनिंग देता था, ऐसी ट्रेनिंग देता था कि कई बार रोना आ जाता था। जहां 50 या 60 किलोमीटर की ट्रेनिंग दी जाती है और कहते हैं कि जाके लाइसेंस ले लो, उसने मुझे 1000 किलोमीटर अपने साथ ड्राइव करवाया, और वो भी ऐसे ऐसे रास्ते कि जहां शैतान भी गाड़ी चलाना जो है उससे डर जाए, ऐसे रास्ते पर वो मुझे ले गया। और ऐसा ज़ोर से डांटता था, मुझसे छोटा था, कि अभी क्यों हाथ छोड़ा, इधर हाथ क्यों किया, और मर जाते तो क्या करते, अपन दोनों मर जाते। लेकिन जब 1000 किलोमीटर की ट्रेनिंग हो गई तो उसने कहा कि अब जाइए आप और बाकायदा आप टेस्ट दीजिए, तो पतनंदिट्टा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे टेस्ट होता है वहाँ अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो शुरू में लगभग 20 लोग टेस्ट हुआ, 20ों को रिजेक्ट कर दिया, और जब 21वां मैं डरते डरते गया तो वहाँ एक बहुत ताज्जुब की बात हुई। डरते डरते गया, एक बार में मेरा जो टेस्ट है उसमें मैं इतना परफेक्ट निकला कि उस दिन जो लगभग 125 लोग थे, जब मैं आया तो ऐसी ताली बजी, मुझे लगा कि शायद ओलंपिक का कोई फर्स्ट प्राइज हाथ में आ गया। क्या कारण है? ट्रेनिंग। जो जानता था कि मैं कमजोर हूं उसने मुझे जम के ट्रेनिंग दी। इसी तरह से इस संसार में मैं और आप इस नश्वर शरीर में जीवन बिता रहे हैं। इस नश्वर शरीर के साथ एक परेशानी और है, वो ये है कि हमारे अंदर पाप स्वभाव बसा हुआ है, उसको लेकर हम पैदा होते हैं। बच्चा जब उसको भूख लगती है तो रोता है, और जब उसको लगता है कि माँ को आने में देर होती है तो पूरी तरह से रोता है ना? सबने सुना होगा, मैंने भी 2 बच्चे पाले हैं। और उसके बाद मान लीजिए कि उसने थोड़ा सा कपड़ा गीला कर दिया, माँ को आने में देर हुई, तो वो तो आसमान सर पे उठा लेता है, कौन सिखाता है उसको ये सब। जब वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे गलत काम करता है, कौन सिखाता है? रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हम इसका उत्तर देखते हैं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय हमको यह बताता है कि हम क्या हैं। जैसा मैंने बताया, रोमियो की पत्री पहले हमको बताता है कि हम क्या हैं, क्या बन गए, उसका क्या फल होगा, प्रभु उस फल से बचाने के लिए क्या करते हैं,
और जब हम प्रभु के द्वारा दिए गए उस रास्ते पर चलते हैं तब हमारे जीवन में क्या हो जाता है, और यदि ऐसा हो जाता है तो उसके बाद हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, और इस चाल चलन के नियम कानून कायदे क्या हैं। पहले अध्याय के 18वें पद में हम पढ़ते हैं, प्रभु का क्रोध तो उन लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। जो लोग मेरे साथ बाइबल पढ़ते जा रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे कि इधर उधर कुछ शब्दों को मैं सरल करके आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसके पीछे कारण है, हमारा लक्ष्य प्रभु के वचन को स्पष्ट रीति से समझना है। यह जिस मूल भाषा में लिखा गया था, यूनानी भाषा, मैंने सालों साल जब मैं कॉलेज में था उसका अध्ययन किया है, उस आधार पर मैं कुछ पोर्शंस को सरल करके आपके सामने पढ़ रहा हूँ, क्यों जैसा मैंने बताया हमारा लक्ष्य अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। जो किसके विरुद्ध प्रभु का क्रोध प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखने का क्या मतलब है? जो जानबूझकर सच्चाई को छुपा कर रखता है। ऐसा हो सकता है क्या कि हम जानबूझकर सच्चाई को छुपाएं? अरे कोई भी आदमी जानता है कि जीवन में हमने ऐसे 50 अवसर देखे हैं जहां सच्चाई कुछ और है और लोग उसको छुपा कर रखते हैं। एक सीधा सादा सा उदाहरण देता हूं, आजकल सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन आज से कम मान लीजिए 5-10 साल पहले की घटना यदि आपको याद हो तो चार मीनार नाम का सिगरेट, उसका एडवर्टाइजमेंट सड़क पे जहां भी जब बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट लगे रहते थे, जहां लिखा था कि धुएं के एक कश में मुझे जो आराम मिलता है वो इस दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। धुएं के एक कश में आराम मिलता है क्या? मिलता है, इसीलिए तो लोग स्मोक करते हैं। चाय, ठंड के समय चाय पिए तो गर्मी मिलती है क्या? मिलती है, इसीलिए तो चाय पीते हैं। तो धुएं का एक कश लेता है तो लोगों को आराम मिलता है, इसीलिए तो वो बेचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि धुएं के एक कश से सिर्फ आराम मिलता है या और कुछ भी मिलता है? आज दुनिया में सबसे ज्यादा फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर हिंदुस्तान में होता है। कहां से आता है? धुएं से, तंबाकू से। तो जो उस विज्ञापन को लिख रहा है कि धुएं के एक कश में मजा आ गया, वो आपको सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा बताता है, उसका 90% वो नहीं बताता है। 90% क्या है कि आराम के साथ साथ ये आपको बिना किसी कोशिश के फेफड़े का कैंसर भी देता है, गले का कैंसर भी देता है, कल को यहां सड़ जाएगा, कीड़े निकलेंगे। मैंने देखा है इस तरह के लोगों को जिनके पूरा सड़ चुका है, कीड़े निकलते हैं। मुझे किसी ने फोटो भेजी थी कि भैया इसके लिए प्रार्थना करना, मैंने एक नज़र पूरी तरह से देख नहीं पाया, फोटो को इमीडिएटली कंप्यूटर से मिटा दिया और बोला कि बिना देखे हम प्रार्थना कर लेंगे, क्योंकि देखने के बाद कम से कम 6 महीने मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। तो जो विज्ञापन आपको बताता है कि एक कश में आराम मिलेगा, वो 90% सच्चाई या हकीकत को छुपाता है कि तुम मर जाओगे। इतना ही नहीं, तुम जब धूम्रपान करोगे तो तुम्हारे पास अगल बगल में तुम्हारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे भटक रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हो तुम, लेकिन इसका असर उनके फेफड़ों पर भी होता है, तुम्हारी पत्नी के फेफड़ों पर भी होता है, तुम्हारे साथ जो दोस्त बैठते हैं उनके फेफड़ों पर भी होता है। कंपनी इस बात को नहीं जानती क्या? सारी कंपनी इस बात को जानती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि उस सच्चाई को छुपा देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो
पूर्ण सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देता, बल्कि अधर्म से उसको छुपा कर रखता है। यदि आपको मालूम है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के उपयोग से उसका उपयोग करने वाले निश्चित रूप से मर जाएगा, और यदि उस जानकारी को आप छुपा कर रखते हैं, तो यह धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। तो सच्चाई को वो अधर्म से छुपा कर रखता है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु का क्रोध इस संसार में सबके विरुद्ध भड़कता है जो अधर्म के द्वारा सच्चाई को छुपा कर रखते हैं। क्यों लोग ऐसा क्यों करते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखिए 19वें पद में हम देखते हैं, प्रभु के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि प्रभु ने उन पर प्रकट किया है। इसका क्या मतलब है? सरल शब्दों में कहा जाए तो इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसमें जिस आदमी को भी अक्षर अभ्यास हो गया है, जो जानता है कि मेरा नाम फलाना है, जो जानता है कि भूख के समय खाना खाना है और कपड़े पहनना है, प्यास के समय पानी पीना है, नौकरी करनी है, वो व्यक्ति इस बात को भी जानता है कि इतना बड़ा संसार और इस संसार की इतनी जटिल बातें, कॉम्प्लेक्स बातें अपने आप नहीं हो सकती हैं। कोई भी आदमी जो इस विश्व को देखता है वो इस बात को समझ सकता है कि इस विश्व की रचना एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो इस विश्व से बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि घड़ी खोल दें तो घड़ी के अंदर कितने सारे पहिए, कॉम्प्लेक्स जटिल पहिए घूम रहे होते हैं। जितनी महंगी घड़ी आप खरीदेंगे वो घड़ी उतनी ही एक्यूरेट, सही सही समय देती है। कैसे देती है? पिछले 600 साल से इस विषय के ऊपर रिसर्च चल रहा है कि किस तरह से घड़ी के समय को एक्यूरेट किया जाए, और इस कारण जितनी ज़्यादा एक्यूरेट घड़ी आप खरीदेंगे उसके अंदर उतने ही ज़्यादा गोल घूमने वाले पहिए और गियर आपको नजर आएंगे, उतने ही ज़्यादा पॉलिश किए हुए, उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट। अच्छा आप जरा एक बात बताइए कि घड़ी अपने आप हो जाती है क्या? नहीं, पहले डिज़ाइन करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, घड़ी का डिज़ाइन उसके लिए जिस गणित का उपयोग हो जाता है अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, गारंटी मानिए। मैं हायर मैथ्स का विद्यार्थी हूँ, मुझसे यदि कहे कि भैया घड़ी का डिज़ाइन करो तो मैं कहूँगा कि मैं कोई बड़ा काम कर लूँगा लेकिन ये छोटा काम मेरे वश का नहीं है, इतना जटिल होता है। अच्छा मान लीजिए कि वो सारे पार्ट आपको मिल जाते हैं और वो सारे पार्ट अपने घड़े में डाल के घड़े को हिलाते रहें तो अपने आप जुड़ जाएंगे क्या? जुड़ नहीं जाएंगे, बल्कि पार्ट टूट और जाएंगे। जब हम किसी जटिल यंत्र को देखते हैं तब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके पीछे एक अति विशाल बुद्धि ने काम किया है, और सिर्फ बुद्धि ने काम नहीं किया है, बुद्धि के कारण उस मशीन को डिजाइन करके उसको एक एक करके जोड़ा गया है। उसी तरह से जब हम इस विश्व को देखते हैं, इस विश्व में जो संतुलन है उसको देखते हैं, तब हमको ये बात अच्छी तरह से बिना बताए समझ में आ जाती है कि इसके पीछे सर्वे सर्वा सर्वशक्तिमान प्रभु की शक्ति है। एक सरल सी बात बताऊं, अपन सब घड़ी का उपयोग करते हैं, घड़ी का टाइम आप कभी किसी चीज से मिलान करते हैं क्या? जी हाँ, मैं तो मोबाइल के टाइम से मिलान करता हूँ क्योंकि मेरी घड़ी वो बीच बीच में सुस्त हो जाती है, तो यदि उस टाइम के अनुसार चलूं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। रेलगाड़ी 5 बजे छूट गई और आपकी घड़ी अभी जो है बता रही है कि 5 बजने में आधे घंटे का देर है। अच्छा मोबाइल का टाइम वो अपने आप हो जाता है कि? जी नहीं,
उसका मिलान होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। अच्छा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपने आप हो जाता है क्या? जी नहीं, उसका मिलान होता है एटॉमिक क्लॉक से। ये एटॉमिक क्लॉक क्या चीज है? इस विश्व में प्रभु ने जो परमाणु रखे हुए हैं, उन परमाणुओं से समय का मिलान किया जाता है। आप कहेंगे कि एटॉमिक क्लॉक तो अभी 10-20 साल पहले आए। जी हाँ, 40-50-60 साल पहले आया। तो उसके पहले किस चीज से मिलान करते थे? सूर्य। सूर्य की जो परिक्रमा है, पृथ्वी की जो परिक्रमा, इन चीजों से मिलान किया जाता था। तो जब ये घड़ी अपने आप नहीं आती, बल्कि इसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, उसकी बुद्धि है, उसका कार्य है, तो ये विश्व जो इतना जटिल यंत्र है, ये अपने आप हो गया क्या? जी नहीं, इसके पीछे प्रभु की बुद्धि है, प्रभु की शक्ति है। ये है प्रभु के वचन के कहने का मतलब, कि प्रभु के अनदेखे गुण, 20वां पद, प्रभु के अनदेखे गुण मतलब प्रभु की सनातन सामर्थ, प्रभु के कामों के द्वारा देखने में आती है। जो भी व्यक्ति ईमानदारी से इस विश्व को देखता है, उसको ये मानना पड़ेगा कि ये विश्व अपने आप नहीं आया है। इस विश्व की रचना सर्वशक्तिमान प्रभु ने की है। ठीक है, इतनी बात तो हर एक को समझ में आ जाती है। जब ये बात हमको समझ में आ जाती है, तो हमारे मन में क्या होना चाहिए? जब ये बात समझ में आ जाती है कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने इस विश्व की सृष्टि की है, तो उस सर्वशक्तिमान के सामने साष्टांग गिर के उस सर्वशक्तिमान का आदर, उस सर्वशक्तिमान की प्रशंसा और स्तुति करना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा होता है क्या? जी नहीं। प्रभु के वचन में क्या लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं, 21वें पद में, इस कारण प्रभु को जानने पर भी उन्होंने प्रभु के योग्य बड़ाई और धन्यवाद, मतलब प्रभु की स्तुति नहीं की, लेकिन व्यर्थ विचार करने लगे। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य को प्रभु ने वो शक्ति दी है कि मनुष्य जब इस विश्व को देखे, तो इस बात को समझ सके कि सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान प्रभु ने इस विश्व की सृष्टि की है। इस बात को जब मनुष्य समझ जाता है, तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस सर्वशक्तिमान के सामने साष्टांग गिर कर प्रणाम करे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य ऐसा करने के बदले प्रभु के विरुद्ध हो गया है। उसका रिजल्ट क्या है? देखिए 22 और 23 में, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मतलब ये सब जानने के बाद भी कई लोगों को ऐसा लगता है, मैं बड़ा समझदार हूं, बड़ा शाना हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान से या सर्वशक्तिमान के सामने मनुष्य इस तरह से घमंड करता है तो वो मूर्ख बन जाता है। उसका रिजल्ट देखिए। यह है आज मैं आपको जो मुख्य बात बताना चाहता हूं, 23वें पद में, अविनाशी प्रभु को या प्रभु की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल दिया है। मनुष्य जन्म से ही मूर्ति पूजक है, कोई भी मूर्ति क्यों ना हो। एक मूर्ति प्रभु को प्रदर्शित कर सकती है क्या? जी नहीं। यदि मान लीजिए कि कल को हम यहां प्रभु यीशु की एक मूर्ति लाकर रख देते हैं, और जब आप शाम की सभा के लिए आते हैं, तो उस मूर्ति को देखकर उसके सामने घुटने टेक कर, हे प्रभु आज तो बच गए, आपके दर्शन हो गए, उस मूर्ति से बोले, सही होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे, सबसे पहले सजा किसे मिलेगी? मुझे। इसलिए कि जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, उसको मैंने एक मनुष्य की मूर्ति के रूप में बदल कर यहां लाकर रख दिया। ऐसा करना गलत होगा। और उस मूर्ति से जाकर प्रभु यीशु की प्रतिमा क्यों ना हो, प्रभु यीशु का चित्र क्यों ना हो, जाकर उससे याचना करना गलत होगा। इसलिए कि प्रभु सर्वव्यापी हैं। जो सर्वव्यापी मतलब जो सब जगह व्याप्त है, उसको एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य की प्रतिमा के रूप में कन्वर्ट करके आराधना के लिए सामने लाकर रखना गलत है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मनुष्य की आदत है कि सर्वशक्तिमान प्रभु को मन ही मन देखने के बदले वो उसको कोई ना कोई रूप देना चाहता है। आज से कुछ साल पहले ग्वालियर शहर में, वहां हर साल जो बड़ा मेला लगता है, उस मेले में हम लोग हर साल बाइबल साहित्य के नाम से एक दुकान डालते थे। तो एक दिन, एक महीने का मेला होता है, तो एक शाम को एकदम से एक यंग दंपति आए। मुझे लगता है कि वो लड़का 24 का होगा, लड़की 22 की होगी। वो बोले, अंकल जी, प्रभु यीशु का कोई चित्र है क्या जिसको हम माला में डाल के चले फिरे? मैंने कहा, माला में डाल के चले फिरे काहे को? तो बोले, अंकल जी, जिस दिन हमारी शादी हुई थी, उस दिन हमने तय किया था कि हम प्रभु की निकटता में जीवन बिताएंगे, तो इसलिए प्रभु का एक चित्र मिल जाए तो उसको टांगेंगे तो हमारे दिल के पास रहेगा। अच्छा, मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी इच्छा है कि प्रभु तुम्हारे दिल के पास रहे, लेकिन एक बात तुम जानते हो क्या? प्रभु ने स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारे मन में वास करूंगा। पढ़ा है क्या तुमने? हाँ हाँ, वो बोले कि हाँ हाँ पढ़ा तो है। तो मैंने कहा कि जब वो तुम्हारे दिल के अंदर वास करते हैं तो काहे को खामोखा गले पे टांग के फिर रहे हो? दूसरी बात मैंने उनसे पूछा कि तुम किस प्रभु में विश्वास रखते हो, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए प्रभु में या जिस प्रभु ने इस संसार की सृष्टि की है और जो सर्वव्यापी है? तो थोड़ी देर तो वो चकरा गए, फिर वो बोले कि अंकल जी, प्रभु तो सर्वव्यापी है और हम तो सर्वव्यापी प्रभु में विश्वास करते हैं। तो मैंने कहा कि सर्वव्यापी को 4 मिलीमीटर के चित्र में तुम बदल के टांगना चाहते हो? जब तुमने टांगा तब टंग गया, जब उठा के उधर कील पे डाल दिया तो वहां डल गया, वो सर्वव्यापी है क्या? तो काफी देर सोचने के बाद वो बोले कि अंकल जी, आज पहली बार आंखें खुली है। तो मैंने कहा कि अच्छा, आप खुल गई हैं, तो एक बात और, अब कान भी खोल देते हैं तुम्हारा, एक बात और सुन लो, तुम्हारे मन में प्रभु का वास वाकई में है क्या, इस बात का यकीन कर लो। और जो प्रभु तुम्हारे मन में वास करते हैं, उस अदृश्य सर्वव्यापी प्रभु की आराधना शुरू करो। बड़ी खुशी खुशी वो लोग, बीच में उनका चेहरा उतर गया था जब मैंने उनसे बिल्कुल ऐसे एकदम से दो टूक बात कही, लेकिन उसके बाद खुशी खुशी वहां से चले गए। और नए दंपति थे तो महीने भर में 4-6 चक्कर मेले में उनके लग गए, लेकिन हर बार आकर उन्होंने मुझसे मुलाकात की, हर बार उन्होंने पूछा कि उनके लिए कोई किताब है क्या, हर बार वो किताबें खरीद के ले गए और उनके आत्मिक जीवन में बहुत बदलाव आया। मनुष्य सर्वव्यापी ईश्वर को किसी न किसी रूप में बदलकर, किसी न किसी चित्र में बदलकर, किसी न किसी प्रतिमा में बदलकर, उसको देखकर उसकी आराधना करना चाहता है। आज इस सभा में आप जो आए हैं, यहां पर प्रभु यीशु का चित्र नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि प्रभु को एक चित्र में बांधा नहीं जा सकता है, प्रभु की कोई प्रतिमा यहां नहीं है। क्यों? इसलिए कि प्रभु को किसी प्रतिमा में नहीं बदला जा सकता। इवन यहां पर
कोई सूली नहीं है, सूली हो तो कुछ अनजान लोग हो सकता है, सूली के सामने घुटने टेके हे प्रभु आपके दर्शन हो गए, सूली कोई प्रभु थोड़ी है। रोमियों की पत्री पहला अध्याय हमको ये बात याद दिलाती है कि मनुष्य ईश्वर को छोड़कर कुछ भी मिल जाए उसकी आराधना के लिए तैयार है, सच्चे ईश्वर को छोड़कर किसी भी चीज की आराधना के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? इसलिए कि उसके मन में पाप का स्वभाव है। पाप का स्वभाव क्यों है? इसलिए कि ईश्वर से उसने जबरदस्ती बलवा किया है। आप कहेंगे शास्त्री सर मैंने तो बलवा नहीं किया। अरे छोड़िए, मैं चार बात आपसे पूछूंगा तब आप कहेंगे कि छोड़ दीजिए शास्त्री सर, प्रश्न पूछना बंद कर दीजिए। हम में से हर एक के मन में ईश्वर के प्रति, ईश्वर के विरुद्ध बलवा है। ये आज से 6000 साल पहले ईश्वर के विरुद्ध जो बलवा है, जो रिबेलियन है, ये स्टार्ट हुआ था अदन की वाटिका में। आज तक मनुष्य की आंखों ने इस तरह की कोई वाटिका, इस तरह का गार्डन नहीं देखा है जिसकी रचना स्वयं प्रभु ने की थी, जिसमें सर्वोत्तम फूल, सर्वोत्तम फल जितना चाहे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। प्रभु ने कहा यह सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और प्रभु ने देखकर बोला अच्छा है। देखिए जब कोई व्यक्ति अच्छा है बोलता है तो वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलता है। आप मान लीजिए आपके बच्चे ने फिजिक्स में पेपर दिया है तो आप तो यही कहेंगे शास्त्री सर बच्चे ने बहुत काम किया है, उसने पेपर दे दिया है। मैं फिजिक्स के अध्यापक के हिसाब से उसको देखूंगा तो मेरा क्या जवाब होगा? मैं सर पीट लूंगा, ये अच्छा है, ये तो पास भी नहीं हो सकता है। हर एक का नापने का मापदंड अलग होता है। 6000 साल पहले प्रभु ने अपनी सृष्टि अदन की वाटिका को भी देखकर बोला अच्छा है। इस विश्व के सृष्टिकर्ता ने जिस बात को अच्छा है देखा था, उसमें जिस पहले जोड़े को रखा था आदम और हव्वा, जो प्रभु की शरण में रोज जाते थे, जिनसे प्रभु रोज वार्तालाप करते थे, उन लोगों ने क्या किया? जानबूझकर प्रभु के साथ बलवा किया, वर्जित फल खाया, प्रभु के विरुद्ध बलवा किया, प्रभु से दूर हो गए। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं और इस कारण जन्म से हमारे अंदर प्रभु के विरुद्ध वो बलवे की भावना, वो रिबेलियन है। इस कारण हम जब इस विश्व को देखते हैं तब हम जानते हैं कि इस विश्व की रचना एक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी ईश्वर ने की है, जो कि सर्वेश्वर है और सर्वव्यापी है, सब जगह है। लेकिन हमारी इच्छा होती है कि शास्त्री सर एक जरा सा चित्र दे दीजिए, उसका हम गले में टांगते फिरेंगे। मतलब आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को एक ऐसी चीज में बदलना चाहते हैं जिसको जब इच्छा हुई टांग लिया और जब इच्छा हुई उधर टांग दिया। यह है जो प्रभु का वचन, पहली बात। रोमियों की पत्री जो मनुष्य के बारे में पहली बात बताती है कि सच्चे ईश्वर को जानने के बावजूद मनुष्य अपने बलवे के कारण सच्चे ईश्वर को, सच्चा ईश्वर समझकर ईश्वर की आराधना करने के बदले अपने मनमाने चीजों के रूप में बदल रहा है। इसका रिजल्ट क्या है? आगे जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब वहां लिखा है कि प्रभु ने भी उनको छोड़ दिया, उसकी मनुष्य को उसकी बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे कि वो अपने जीवन को बर्बाद कर दे। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने एक अपने दर्शकों को एक कहानी सुनाई थी। एक बहुत धनी पिता थे, बहुत ही धनी। उनके दो बच्चे थे, छोटे बच्चे। उस घर में सब कुछ था, धन संपत्ति, दास दासी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन छोटे को लगा एक बात की कमी है। क्या? इस घर में कुछ नियम और कायदे हैं,
मुझे उन नियम और कायदों का पालन करना पड़ता है, इस कारण मुझे आज़ादी नहीं मिल रही है। तो एक दिन वो पिताजी से बोला कि पिताजी, संपत्ति में मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दीजिए। संपत्ति में उसका क्या हिस्सा, उसके बाप ने मेहनत की थी, संपत्ति उसके बाप की थी, हाँ उसने फादर की मदद जरूर की होगी, लेकिन कमाई तो उसके फादर की थी, बुद्धि उसके फादर थी, व्यापार उसके फादर का था। कैसी धृष्टता उसने अपने पिताजी से की। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 2000 साल पहले का जो समाज था उसमें पिता से यदि संपत्ति का हिसाब मांग रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि अब आपके जाने का टाइम हो गया है। पिताजी ने क्या किया, वो स्नेहमयी करुणामयी पिता जो अपने बच्चों को, अपने बच्चों के स्वभाव को, अपने बच्चों के दिल को जानता था, उसने तुरंत अपनी जो विशाल संपत्ति थी उसमें से एक बहुत बड़ा टुकड़ा काट कर अपने बेटे को दे दिया। उस बेटे ने तुरंत जो पैसा मिला उस पैसे में उसको बेच दिया, सबको पैसा नामे में कन्वर्ट करके थैलिया में या गधे के ऊपर लाद के, बाइबल बताती है, दूर देश को चला गया। क्यों? जहाँ पिताजी की नज़र ना पड़े, जहाँ घर वालों की नज़र ना पड़े। और बाइबल में ये लिखा हुआ है कि वहाँ उसने कुकर्म में, अरे पैसा मिला है, किसको इतने पैसे मिलते हैं उससे कोई व्यापार करते, उसके बदले उसने कुकर्म में, बुरे कर्मों में वो पैसा उड़ा दिया। पैसा खर्च करना मुश्किल काम है क्या? अरे जिंदगी भर कमाया हुआ पैसा क्षण भर में आप खो सकते हैं। जुए पे जाइए और सारा पैसा दांव पर लगा दीजिए। ज़्यादातर बेवकूफ़ों को ये मालूम नहीं होता है कि हजारों लोग जब पासा फेंकते हैं उसमें एक जीतता है, बाकी 999 हार जाते हैं। पिताजी ने क्यों ऐसा अलाउ किया? कुछ लोग अपने आप चीज़ों को समझते हैं, कुछ लोग जब तक उनको ठोकर ना लगे तब तक समझ नहीं पाते हैं। क्या हुआ, संपत्ति उड़ गई, उस देश में अकाल भी पड़ गया, भूखे भूखे नंगे किसी तरह से जाकर लोगों से उसने याचना की, किसी ने नौकरी नहीं दी। फाइनली एक आदमी के पास गया जो सुअर पालता था। यहूदी लोग जिस जानवर से सबसे अधिक घृणा करते थे वो है सुअर। मालिक ने कहा कि अपने पास कोई नौकरी नहीं है, सुअर चरा सके तो सुअर चरा लो। सुअर चराया उसने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मैदान में एक प्रकार की फली लगती है जिसको आप चबाएं तो हल्के से मिर्च लगती है, ये फली सुअरों को खिलाते हैं। उसकी स्थिति ये हो गई कि भूखे मारे सुअरों को ये फली जो खिलाई जाती थी उसमें से वो कुछ खाना चाहता था लेकिन कोई नहीं देता था। तब एक दिन बैठकर उसने कहा कि मैं कैसा मूर्ख हूं, मेरे पिताजी के नौकर, पुत्र नहीं, पुत्र पुत्रादि नहीं, नौकर इतने धनी हैं, उनको इतना धन मिलता है कि खाने के बाद उनको फेंकना पड़ता है, और मैं यहाँ सूरों की फली खाना चाहता हूँ, वो भी कोई नहीं दे रहा है, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊँगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये कहानी प्रभु ने 2000 साल पहले सुनाई थी, लेकिन ये मेरी और आपकी कहानी है। ईश्वर प्रभु ने हमारी सृष्टि की, इसके बावजूद प्रभु से बलवा करके हम लोग उस छोटे पुत्र के समान प्रभु से दूर हैं। यहां लिखा हुआ है रोमियो की पत्री पहले अध्याय में, इस कारण प्रभु ने उनको उनकी व्यर्थ बुद्धि पर छोड़ दिया। जिस तरह से इस 2000 साल पहले की कहानी में
पिता ने अपने छोटे बेटे को उसकी व्यर्थ बुद्धि पर छोड़ दिया, वैसे ही इस संसार के सृष्टा ने हम सबको अपनी व्यर्थ बुद्धि पर छोड़ दिया। उसके पीछे कारण है। कारण क्या था? जब फाइनली उसको होश आया तो उसने कहा, एक काम करते हैं, मेरे पिताजी बड़े दयालु हैं, किसी को खाली हाथ जाने नहीं देते, मैं जाके बोलूँगा कि पुत्र का स्थान तो मैंने खो दिया है, मुझे एक नौकर के रूप में रख लीजिए। तो यदि पिताजी दया करके मुझे एक नौकर के रूप में रख लेंगे तो इतना खान पान को हो जाएगा कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तब वो जो अभी तक मूर्ख था, जो इस बात को नहीं जानता था कि उसको जीवन में कितना अनुग्रह मिला है, उसको अकल आई, वो उठा, वापस अपने पिता के घर में गया। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि उसके पिताजी ने दूर से उसको देखा। एक बात याद रखें, फटे चिथड़े नंगे बदबूदार सुअरों को चराने वाले, जो धूप में जिसकी चमड़ी काली हो चुकी है, उसको देख के कोई भी आदमी उसके पास नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि उसका पिताजी दौड़ कर गए, उसको गले लगाया, उसके गले पर गिर पड़े और उसको इतना चूमा कि पिताजी को फिर भी तृप्ति नहीं हुई। मैं और आप होते तो पहले कहते कि बेटे मान लीजिए प्यार दिखाना था तो भी हम कहते स्नान करके वापस आओ। नहीं, पिताजी ने उसको लिपटा कर उसको चूमा, नौकरों से बोला, आज्ञा दी, ले जाओ, स्नान करवाओ, बाल काटो, कपड़े पहनाओ, सर्वोत्तम कपड़े पहनाओ। और इस परिवार का जो स्टेटस है, उस जमाने में हर परिवार में लोग रिंग पहनते थे, जो कि आज अपन जो सील लगाते हैं उस सील के समान होता है, उस परिवार को दिखाता है। अंगूठी पहनाओ, पैरों में जूतियां पहनाओ और इतना बड़ा फीस्ट करो कि लोग भी याद रखें। और ऐसा लिखा हुआ है कि जब बड़ा बेटा जो खेतों पे गया हुआ था, जब बाहर आया, दूर से ही उसने आवाज़ सुन ली कि बाप रे, कोई तो बड़ा फीस्ट हो रहा, इतना बड़ा फीस्ट पिताजी ने करवाया। इस कहानी को प्रभु ने क्यों सुनाया? मेरे और आपके बारे में हम समझ सकें कि मैंने और आपने प्रभु के द्वारा दी हुई सारी बातों को देखने के बावजूद उस छोटे बेटे के समान प्रभु को त्याग दिया। प्रभु ने हमें अपनी व्यर्थ बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे कि हम समझ सकें कि हम अपने स्वयं की कोशिश से अपने आप को नहीं बचा सकते। आज इस कॉन्ग्रीगेशन में, इस सभा में ऐसे कई भाई बहन हैं जिन्होंने इस बात को समझ कर प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया है। मैंने आज से बहुत सालों पहले प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। सामने जो भाई लोग बैठे, उधर जो भाई लोग बैठे, इनमें से कई लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। इधर कई बहनें बैठी हैं, इन्होंने, उधर पीछे जो भाई बैठे हैं उन्होंने ग्रहण किया है। मेरा एक प्रश्न है कि इतने सारे लोगों ने जब इस बात को समझ कर प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, तो बाकी आप में से जो भाई हैं या जो बहन हैं, क्यों इस मुक्ति से दूर हैं? आज ही प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आई तो इस सभा के बाद मैं यहाँ सामने बैठा रहता हूँ, मेरे पास आइए, मैं आपको डिटेल में सारी बातें समझाऊँगा, जिससे कि आप प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर सकें। लेकिन जिन्होंने ग्रहण कर लिया है उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, हम क्या थे? रोमियो की पत्री पहले अध्याय से हम देखते हैं हम क्या थे। प्रभु ने अपने स्वरूप में हमारी सृष्टि की, लेकिन प्रभु को जानने के बावजूद, प्रभु से बलवा करके हम प्रभु से दूर चले गए थे। हम क्या हो गए, हमको क्या, वो आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन अध्यायों तक पहुँचने से पहले कि हम जो थे उससे प्रभु ने हमको जो बना दिया है, ये मेरी आपकी योग्यता नहीं है, प्रभु की करुणा है,
इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम सुबह शाम प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रभु के सामने ये मानना जरूरी है कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं था, आपने मुझे अपनी संतान बनाया, मैं आपका आभारी हूँ प्रभु, और प्रभु मेरी मदद कीजिए कि जो सर्वेश्वर है, जो सर्वव्यापी है, उस व्यक्ति को सर्वव्यापी के रूप में ही मानकर मैं उसकी आराधना करूं। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। जैसे जैसे हम रोमियो की पत्री के एक एक अध्याय को देखेंगे, तब जिस तरह से एक पजल के सारे टुकड़े मिलकर पूरा चित्र बना देते हैं, वैसे ही हम लोग पूर्ण चित्र को देख सकेंगे। बल्कि तीसरे चौथे अध्याय तक पहुंचते पहुंचते पहला अध्याय अभी जितना क्लियर हो इससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सब समझने के लिए, पढ़ने के लिए प्रभु हम में से हर एक की मदद करें। आज प्रभु ने हम सबकी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। जय मसीह की।